बहुत बहुत थैंक यू सर बहुत। अभी हम सब लोगों के सामने वक्त आ गया है कि हम बिहार की धरती पे, बिहार की राजधानी पटना के अंदर, हम अपनी कंपनी के नए वेयर हाउस की ओपनिंग हमारी कंपनी के फाइनेंशियल डायरेक्टर मामचंद सर के माध्यम से करवाने जा रहे हैं, क्योंकि हम सब के अकाउंट में पैसा यहीं से आता है। आप बताइए, सबसे बड़ा पैसा आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? और आज हमारे बीच में, आप सभी के, बिहार की टीम के बीच में मामचंद सर क्यों आए मालूम है? नहीं, इसलिए कि बिहार की टीम को ज्यादा पैसा देना चाहते हैं। ऑफिस हो गया, चेयर वेयर भी लगवाई है अपने, चेयर वगैरह बाहर लोगों में बैठने के लिए, वही बैठ वही चलते ना। भाई पढ़ो मत, पढ़ो मत। हाँ ये बात, चलिए आप सारे लोग मिलके ना एक बार वेयर हाउस में देखते हैं। मैं भी अभी देख रहा हूँ कितना बड़ा है, कहाँ कहाँ पे हमारे प्रोडक्ट हैं। देखो ऑलरेडी हमारे प्रोडक्ट यहाँ पे आ चुके हैं। एक गाड़ी आई है, दो गाड़ी रास्ते में। पूरे बिहार बंद हो जाएगा यहाँ से, तो इतना लंबा कहाँ तक करेंगे? आज अंदर ने चेयर जा चेयर ले गई, उधर अंदर ने चेयर जा लगे हुए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। पटाखे मत फोड़ो। हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सारे लोग यहीं आ जाओ, यहीं आ जाओ। एक बार बैठो ना, चेयर इतनी लगी हुई है ना अपने पास, कोई बात नहीं, ऐसी बात नहीं। आपको मौका देंगे, सबको मौका देंगे। इनको बोलो ना ओढ़ ना पड़े, गुब्बारे ना पड़े, बहुत ज्यादा आवाज आ रही है।
आप गुब्बारे रुक जाओ, गुब्बारे ना फोड़े कोई, यही हो ना, पता लगा। जिनको चेयर मिल गई वो चेयर पे बैठो, आ रहा हूँ। सभी को बैठा दो, बैठा दो। बैठे बैठे। खाना ओपन कर दो, जिससे सब। हाँ। खाना ओपन कर दो सर। खाना। सर। हाँ। आए। हाँ बढ़ाओ, बढ़ाओ, बढ़ बढ़ नहीं बढ़ो। हाँ बैठ नहीं नहीं, बैठ नहीं नहीं बोलोगा नहीं, बैठ नहीं नहीं बढ़ो, एक बार बढ़ाओ। एक बार बैठने के लिए बोलिए। आप लोग बैठिएगा, सारे लोग बैठिए। शांति शांति शांति, बैठो बैठो। आप ही लेते दोस्तों, नमस्कार। आप गुब्बारे मत फोड़ना, क्योंकि पूरे बिहार को पता चल चुका है कि एसएनपीएस वेलनेस का और भी जबरदस्त तरीके से यहां पे आगाज हो चुका है। और आप देखिए, आप सारे लोग आज से पहले काम कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे, लेकिन उसके बाद भी आज कंपनी हमारे बारे में कितना सोचती है, इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं। कि मैं सच बताऊं, गुवाहाटी के अंदर जब वेयर हाउस की ओपनिंग करने हम लोग गए, तो मैंने संजीव सर को बोला कि सर इतना बड़ा वेयर हाउस, और मैं सर को बता रहा था, मैंने कहा सर गुवाहाटी वाला वेयर हाउस तो बहुत बड़ा है, बोला सर एक बार आप यहां तो चल के देखो। और सच में जब मैं यहां आया, ये तो 500 मीटर से भी ज्यादा दूरी के अंदर फैला हुआ है। लोग बोलते हैं कि कंपनी का विजन क्या है, इस बात का सवाल आज आपके सामने है, सवाल का जवाब कि जब कोई कंपनी आपकी राजधानी के अंदर इतना लंबा चौड़ा अगर वेयर हाउस ओपन कर रही है, तो समझिए कि कंपनी का विजन क्या है। हमें देखना यह है कि अब हमारा विजन क्या है। कंपनी ने अपना विजन दिखा दिया है, हमें अपना विजन साबित करना करने के लिए तैयार है, और आपके प्रोडक्ट की डिलीवरी यहाँ से और जल्दी हो जाएगी। आपके जितने भी फ्रेंचाइजी वाले हैं, उनकी स्पीड से प्रोडक्ट पहुंच जाएंगे। आप सब लोगों को एक सुझाव जरूर देना चाहूंगा कि आपके आसपास के इलाके में अगर कोई सेंडअप या फ्रेंचाइजी नहीं है, तो जो भी कंपनी के अपने रूल्स हैं, उसके अकॉर्डिंग आप अपने इलाके में और ज्यादा फ्रेंचाइजी और ज्यादा सेंडअप खुलवा सकते हैं, जिसकी वजह से उनको उनको यहां से प्रोडक्ट जल्दी मिलेगा और आपके बिजनेस की और ज्यादा ग्रोथ होगी। और इस फ्रेंचाइजी को, इस वेयर हाउस को देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि सर अपनी कंपनी का अब तक का सबसे बड़ा वेयर हाउस है। और आप एक चीज देखिएगा, जब एक मिनट, जब कंपनी बिहार के अंदर अब तक का सबसे बड़ा वेयर हाउस खोल सकती है, तो हम सारे लोग आज कमिटमेंट करते हैं कि पूरे हिंदुस्तान का बिजनेस एक तरफ और बिहार का बिजनेस एक तरफ। उम्मीद लोग किससे करते हैं? जो उम्मीद करने के लायक होता है। तो कंपनी ने इतना बड़ा वेयर हाउस आज यहाँ क्यों दिया कि हम इसके लायक हैं? तो आज के बाद अपनी जो भी समस्याएं थी वो दूर हो जाएंगी, और मुझे लगता है हम और ज्यादा स्पीड से काम करेंगे। और दोस्तों, ये हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि आज मात्र 12 घंटे के पहले, कल इस टाइम किसी को बताया गया होगा कि हमारे वेयर हाउस के ऊपर, अगर ये एक दो दिन पहले बता देते हैं तो शायद 1,000-2,000 लोग आ जाते हैं। और गवर्नमेंट के अलग अलग राज्य सरकार के नियम है कि ज्यादा भीड़ इकट्ठी नहीं कर सकते, अभी कोरोना के कुछ प्रोटोकॉल है। आप सारे लोग भी अपने शहर में जहां भी मीटिंग कर रहे हैं, कोरोना के हर प्रोटोकॉल का ध्यान रखें, जो भी सरकार की गाइडलाइंस है उनको पालन करें, ताकि हमें कोई किसी तरह की दिक्कत ना आए, और कोई ये ना बोले कि कंपनी के लोग गलत कर रहे हैं। और इसीलिए आज यहाँ पे हम 100 लोगों को ही बुलाया था, लेकिन तकरीबन 200 के आसपास आप लोग हैं, और वो भी मात्र 12 घंटे 6 घंटे, कुछ लोगों को तो 2 घंटे पहले बताया था। और ये हमारी प्रोग्रेस है कि कंपनियों में लोग थक जाते हैं, टिकट बांट बांट के बुला बुला के फिर लोग नहीं आते,
हम बताते नहीं है फिर भी पूरा हॉल भर जाता है। तो दोस्तों मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में है और मैं एक ही वायदा चाहता हूं आपसे कि अब तक का सबसे बड़ा वेयर हाउस आपके शहर में आपके स्टेट में है। जब मनाली की लिस्ट निकलेगी तो क्या सबसे ज्यादा लोग क्वालिफाई आपके होंगे, प्रॉमिस करने के लिए तैयार है? तो दोस्तों अगर तैयार है तो मैं ये बता रहा हूँ कि हम सब लोग भी यहाँ पे लक्ष्मी के लिए आए हैं, पैसे कमाने के लिए। और आज हमारा सौभाग्य है, देखिए मतलब सौभाग्य नहीं है आज तो महासौभाग्य कि आज जिनके एक क्लिक पे हमारे अकाउंट में HDFC ICICI एक्सिस सब बैंकों का मैसेज खड़खड़ाने लग जाते हैं वो इंसान साक्षात हमारे बीच में है आज। सर अगर आज आप वहां पे बैक ऑफिस में नहीं बैठे तो हमारे अकाउंट में पैसे नहीं इसका सारा का सारा श्रेय आपको ही जाता है और हम चाहते हैं कि आप अपने आशीर्वाद के रूप में हमें थोड़ा सा आशीर्वाद दो शब्द बता दीजिएगा कि हम लोग सबसे ज्यादा मनाली क्वालिफाई करके आपके बीच में आए। सर के लिए एक जोरदार तालियां। सबसे पहले सभी को नमस्कार। जो आपका ये जोश दिख रहा है उससे पूरा एहसास है कि जो महिपाल जी ने बोला है वो आप लोग मुझे 100% विश्वास है कि आप उसको पूरा करेंगे। यस सर। क्योंकि जो लीडर रहता है ना उसका सामने से डिस्प्ले करता है और आप सबका चेहरे की जो खुशी और जोश वो डिस्प्ले कर रहा है कि जो आप टारगेट सोच रहे हैं वो 100% आप लोग कंप्लीट करेंगे। और कंपनी की तरफ से आपको भविष्य में कोई भी छोटी मोटी समस्याएं हैं उनका भी समाधान टाइम पे आपको मिलता रहेगा। और ये वेयर हाउस और आपकी फ्रेंचाइजीज का पूरी प्लानिंग देख के हमने 5 साल तक की प्लानिंग और प्रोडक्ट देख के ये वेयर हाउस लिया गया है। और आपको प्रोडक्ट टाइम से लोकल आदमी तो यहाँ बाई हैंड कलेक्ट कर ले जा सकता है लेकिन नियर बाई भी 3rd day सभी को डिलीवरी हो जाए। बाकी आप सब लोगों के लंच की व्यवस्था है, आप सब लोग अपना लंच करिए, काफी डिले हो चुका है। ठीक है सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम सबके लिए सर के माध्यम से लंच का अरेंजमेंट है, आप सारे लोग आराम से लंच लें, खाना खाएं, विजिट करें, वीडियोग्राफी करें, फोटोग्राफी करें। और कल तक जो लोग बोलते थे कि कंपनी चलेगी नहीं भागेगी उनको जाके बता दें दिल्ली से शुरू होगी पटना में पहुंच गई है और आगे भी पता नहीं कहां कहां भागेगी। और हमें रुकी हुई कंपनी नहीं चाहिए, हमें भागने वाली चाहिए, क्योंकि भागेगी तो हम भी भागेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके सम्मान का, आपके प्यार का, आपके साथ का। हम और आप मिलके आज सर लोगों ने प्लेटफॉर्म बनाया जिसके वजह से हम और आप मिलके इस दुनिया में जो काम आज तक लोग नहीं कर पाए असली पे वेलनेस के माध्यम से हम लोग पूरा करेंगे। और मुझे विश्वास है क्योंकि कंपनी दमदार है और हमारे पास आप जैसे लोग दमदार हैं, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।